हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं अभिषेक भार्गव भार्गव क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020। ठीक है, देखिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जो है एमसीक्यू आप करा दीजिए। इसी कारण मैं ये एमसीक्यू आप लोगों को कराने वाला हूँ, क्योंकि ये आगामी एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी को मालूम है कि गेम से एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, और खेलो इंडिया यूथ गेम से तो जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम भार्गव क्लासेस में मिलेगा, अगर अभी तक आप लोगों ने भार्गव क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन करिए, वहीं पर आपको सारे पीडीएफ जो है अवेलेबल होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी तक अगर आप लोगों ने भार्गव क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल का आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे साथ साथ में आप लोग को भी अगर प्रश्न के उत्तर मालूम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का। तो आप ये लोगो देख सकते हैं, आपको यहां से एक चीज पता चल गया होगा कि ये असम गुवाहाटी में हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए मेरे साथ साथ में आप लोग भी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताते जाइएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। तो आपको बताना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा तीसरा, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। किसके द्वारा? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा जो है ये आयोजित किया जाता है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुवाहाटी में होने वाले तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, देखिए यहां पर एक चीज आपको मिला कि तीसरा था ये। ठीक है, गुवाहाटी में होने वाले तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का शुभंकर, लोगो और जर्सी का उद्घाटन किसने किया। तो आपको बताना है कि इनमें से किसने जो है वो उद्घाटन लोगो और जर्सी का जो है वो किया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए सही आंसर क्या होगा, दो और तीन, दूसरा कौन, किरण रिजिजू और तीसरा सर्बानंद सोनोवाल, इन दोनों ने मिलकर जो है ये उद्घाटन किया। ठीक है, दो प्रश्न हो गया, तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या बोलता है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का शुभंकर क्या था। तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का शुभंकर क्या था। आप सभी को मालूम है कोई सा भी गेम्स या इवेंट होता है तो उसका एक शुभंकर होता है, तो वो क्या था। तो यहां पर जो है देखिए सही आंसर क्या होगा, आप सभी भी मेरे साथ अगर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो इसके अंदर में जय और विजय जो था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का शुभंकर था। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में कितने खेलों को शामिल किया गया था। तो आपको बताना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में कितने खेलों को शामिल किया गया था। आपके ऑप्शन है 16, 18, 20 और 24। तो जल्दी से अपने नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को नाम भी बताऊंगा खेलों के। ठीक है, तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा 20 खेलों को जो है वो शामिल किया गया था। अब देखते हैं खेलो इंडिया गेम्स में 2020 के संस्करण में कितने 2020 जो गेम थे, यानी 20 जो गेम थे उनके नाम क्या गया था। तो आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, साइकिलिंग को जो है इंक्लूड किया गया इस साल, याद रखिएगा, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, लॉन बॉल्स, ये जो था लॉन बॉल्स इसको भी ऐड किया गया। दो खेल को जो है नए, साइकिलिंग और लॉन बॉल्स को ऐड किया गया। शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, टेनिस, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में पहली बार कौन से दो खेलों को शामिल किया गया। देखिए वो क्वेश्चन आ ही गया जो मैंने आपको बताया था कि कौन से दो खेलों को जो है वो शामिल किया गया। तो यहां पर देखिए आपको बताना पड़ेगा, तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा चौथा ऑप्शन। यहां पर चौथा ऑप्शन दिख नहीं रहा था, तो साइकिलिंग और लॉन बॉल्स। ठीक है, याद रखिएगा। छठवा प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा। तो आप लोगों को मालूम होगा कि शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य था। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो था वो शीर्ष स्थान पर रहा, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब यहां पर आपको महाराष्ट्र में जो कितने स्वर्ण जीते वो भी बता देता हूं। तो महाराष्ट्र ने 78 स्वर्ण, 77 रजत और 101 कांस्य पदक के साथ अपनी लगातार दूसरी खेलो इंडिया युवा खेल ट्रॉफी जीती है। तो दूसरी बार जो है इन्होंने खेल ट्रॉफी जो है वो खेलो इंडिया का जीता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश रहा। तो आपको बताना है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा। तो देखिए यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा नई दिल्ली, ये तीसरे स्थान पर था और केंद्र शासित में शीर्ष स्थान पर था। ठीक है, आठवां प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की विजेता टीम महाराष्ट्र ने
कितने पदक जीते। अब आपको बताना है कि इन्होंने जो है टोटल कितने पदक जीते। अभी मैंने ऊपर ही आपको बताया है तो आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने टोटल जो है पदक जीते हैं 256। कितने जीते? 256 टोटल पदक इन्होंने जीते और पहले स्थान पर दूसरी बार रहे ये। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में असम राज्य का क्या स्थान था? अब असम राज्य का स्थान क्यों पूछा गया 28 राज्यों में? क्योंकि असम में ही हुआ, गुवाहाटी में, इसीलिए असम का जो क्वेश्चन है वो बनता है। तो असम राज्य जो था वो था सातवां स्थान पर। ठीक है, कौन से स्थान पर था असम राज्य? सातवां स्थान पर था, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण कहां आयोजित हुआ? तभी आपको सबको मालूम है, ऊपर अपने पिक भी देखा, अभी मैंने कई बार आपको बताया कि असम के गुवाहाटी में। कहां पर? असम के गुवाहाटी में तीसरा संस्करण जो है वो आयोजित किया गया, तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, 11वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया? तो आपको मालूम होगा कि कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों ने जो है इसमें भाग लिया, तो आपको बताना है नीचे कमेंट करके। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों ने जो इसके अंदर में भाग लिया। ठीक है, इसके बाद 12वां प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में टॉर्च लाइटर कौन था? तो टॉर्च लाइटर कौन था वो आपको बताना है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन आपको दूती चंद, हिमा दास, मिताली राज, पीवी सिंधु, तो कौन थे? तो वो थी हिमा दास। जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? हिमा दास जो थी वो टॉर्च लाइटर थी। ठीक है, 13वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो यहां पर आपको बताना है कि कितने आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा, देखिए कौन सा होगा, अंडर 17 और अंडर 21, इसके इस आयु वर्ग के खिलाड़ी जो है इसके अंदर में भाग लेते हैं। 14वां प्रश्न की तरफ चलते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की शुरुआत किस दिन हुई? तो आपको बताना है खेलो इंडिया 2020 की शुरुआत किस दिन हुई, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ये 10 जनवरी को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 15वां प्रश्न की तरफ चलते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का मुख्य समारोह किस स्टेडियम में आयोजित हुआ? तो आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेडियम में इसका मुख्य समारोह जो है वो आयोजित किया गया था। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम। सही आंसर क्या है? इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम। 16वां प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले 1000 खिलाड़ी को कितने रुपए की वार्षिक सहायता प्रदान की जाती है? तो आपको बताना है कि प्रत्येक वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले 1000 खिलाड़ियों को कितने रुपए वार्षिक सहायता दी जाती है। तो ये आपके ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं और सही आंसर जो होगा वो होगा कितना होगा, 5 लाख रुपए जो है वो वार्षिक दिए जाते हैं 1000 खिलाड़ियों को। 17वां प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन कहां किया गया था? आपको बताना है जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन जो है वो कहां किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नई दिल्ली में जो है इसका जो है पहला संस्करण का आयोजन किया गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? देखिए ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात की जा रही है, पहला संस्करण का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चौथा, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा। 19वां प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पुराना नाम क्या था? तो आप सभी को इसका भी आंसर मालूम होना चाहिए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पुराना नाम क्या था। तो उसका नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। क्या था? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स जो था इसका पुराना नाम था। 20वां प्रश्न की तरफ चलते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के सीईओ कौन है? आपको बताना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के सीईओ कौन है? तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा अरविंद जोशी। अरविंद जोशी है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के सीईओ। ठीक है, 20 जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने करा दिया आपको, अब 21वां प्रश्न जो है वो मैं आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट कर बताना है। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो ये सारे आपको करने हैं। और इसका जो है पीडीएफ आप लोगों को भार्गवा क्लासेस, ठीक है, भार्गवा क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप वहां पर मिलेगा, तो पीडीएफ जरूर डाउनलोड करिएगा। क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? तो आपके ऑप्शन है किरण रिजिजू, अरविंद जोशी, रवि शास्त्री, ठीक है, या ओम शंकर। तो आपको बताना है यहां पर वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। आपके कितने आंसर सही हुए वो भी आपको कमेंट करना है, 20 / कितने आपके सही है वो आपको कमेंट करके नीचे बताना है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा वो भी आपको नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है, और इसी प्रकार के देखिए बहुत सारे कमेंट आए थे, तो वैसे ही आप लोग कमेंट करते रहिए कि किस टॉपिक पर आप लोगों को जो है एमसीक्यू के माध्यम में वीडियोस चाहिए, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर
जरूर बताइए, अगर हमसे बनेगा तो हम वो वीडियो जरूर आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू के माध्यम से हम जो है टॉपिक कवर करेंगे। तो आप लोग नए नए टॉपिकों का नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं कि इस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो वो टॉपिक को कवर किया जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा प्लीज। पीडीएफ के लिए आप लोगों को जाना है भार्गव क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप, वहां से आप लोगों को ये जो है पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा, आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ज्वाइन करना बस आपको है, उसके बाद डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।